हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट यू। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और इसी क्वेश्चन में जो है सबसे ज़्यादा लोग अटकते हैं। एक प्रॉपर आंसर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस एक क्वेश्चन से अगले 3 सेकेंड में जो है आपका इंटरव्यूअर आपको जज कर लेता है कि आप उसकी कंपनी के लिए लायक हैं या नहीं है। तो आज हम उसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या आंसर उसका दें कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़े और हमें जो है इंटरव्यू में अच्छे से सेलेक्ट कर पाएं। तो वेलकम टू सक्सेस मोटिवेशन बाय अर्पित। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत यूजफुल वीडियो है और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं किसी भी इंटरव्यू को देने के लिए, हम एक रेज्यूमे तैयार करते हैं, उस रेज्यूमे को हम सबमिट करते हैं और कंपनी से कॉल आता है तो हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट यू। अब होता क्या है, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आइडियल हम लोग क्या करते हैं, आइडियल सिचुएशन में जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, शुरू हो जाता है अपने बारे में बताना, अपने बैकग्राउंड को बताने में कि यार मेरे फादर ये हैं, मदर ये हैं, फादर का नाम ये है, मदर का नाम ये है, मेरे पैट का नाम ये है, फलाना ढिकाना वाला, इस तरीके से पूरा अपनी हिस्ट्री बता देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपके बैकग्राउंड में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे जानना चाहता है कि आप कितने वैल्यूबल हो, अपनी क्या एड ऑन कर सकते हो आप इस कंपनी के लिए। तो एक्चुअल में वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके बारे में पूछना चाह रहा है। तो मैंने इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक टेक्निक बनाई है, जिस टेक्निक में मैं आपको 3 ऐसे वर्ड बताऊंगा जिन वर्ड के थ्रू आप अपने आप को उसके सामने प्रेजेंट करेंगे तो अच्छा आपका इम्पैक्ट आता है, अच्छा इसका आंसर निकल जाता है। क्या है 3S टेक्निक, मतलब कि फर्स्ट सक्सेस, दूसरा स्ट्रेंथ, तीसरा एस है सिचुएशन। तो सक्सेस की बात करते हैं, जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट यू, मींस स्टार्ट विद योर सक्सेस, कि आपने आज तक क्या किया है, आपका लास्ट कंपनी की क्या सक्सेस थी, आपने कितना अपनी कंपनी को दिया है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी सेल्स कंपनी में काम किया, यहाँ पे आपने सेल्स किया है, तो आपको अपनी सक्सेस बतानी है कि आपने फॉर एग्जांपल ईयर, आपको बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला था, या आपने इस मंथ में इतनी सेल करके दी थी, या आपने इतना सारा प्रोडक्ट बेचा था। तो आपको अपनी सक्सेस के बारे में उसको बताना है, मतलब ईगोस्टिक ना होके एक सॉफ्ट जोन में आपको उसको अपनी सक्सेस के बारे में बताना है कि आपने अब तक ये एक सक्सेस जो है उसमें हासिल की है। सेकंड आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आपको अपनी वीकनेस तो नहीं बतानी है, तो आप भूल जाएं कि आपको कभी अपने इंटरव्यू के सामने वीकनेस नहीं बतानी कि मेरे अंदर ये कमी है, क्योंकि इंटरव्यू पूछते हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या है, तो वीकनेसेस नहीं बतानी है, हमेशा आपकी स्ट्रेंथ बतानी है। स्ट्रेंथ में आपको ये बताना है कि फॉर एग्जांपल आपकी हैबिट्स क्या क्या हैं, आप पंचुअल हैं, आप जिम फ्रीक हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, या आप बहुत अच्छे से सेल्स को पिच कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट लर्नर हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, और बहुत हाई लर्निंग है, बहुत जल्दी सीखते हैं, ये सब आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, ये स्ट्रेंथ्स आपको अपने इंटरव्यू को बतानी है। तीसरा आता है सिचुएशंस। सिचुएशंस को मैं सेकंड टर्म में ये कह सकता हूँ कैरियर ऑब्जेक्टिव, जो आपने रेज्यूमे में लिखते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव, वो आती है सिचुएशन, मतलब कि सामने वाले इंटरव्यूअर को आपको ये बताना है कि आप ऐसी सिचुएशन में, ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं जो आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ तो दे ही दे, साथ साथ आप अपनी कंपनी की ग्रोथ को दे सके। मतलब कि आपको इंटरव्यूअर को ये बताना है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हो, मतलब कि इंटरव्यूअर की कंपनी में आए हो, तो आप उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हो, उसके एनवायरनमेंट के साथ जुड़ना चाहते हो और उसको अपनी ग्रोथ के साथ साथ उसकी ग्रोथ को भी करना चाहते हो। तो मींस ओवरऑल जब हम बात करेंगे, तो जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट यू, दैट मींस आपको अपनी हिस्ट्री नहीं बतानी है, आपको अपनी सक्सेस बतानी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, आपको सिचुएशन बतानी है जिस सिचुएशन में आप उसके साथ काम करना चाह रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी 3S टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और 100% आपको जॉब मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बात अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।